वेलकम टू स्टडी गोविजीनाथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी एंड डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी। आपको अगर इक्विटी की सारी वीडियोस चाहिए तो सारी की सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इक्विटी का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में जानकारी भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी आपने फॉलो करना है तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये समझने से पहले कि इक्विटी है क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विटी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बेसिकली जो इक्विटी है ये रोम में ओरिजिनेट हुआ और इसका जो डेवलपमेंट है ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, इंग्लैंड में। ये 1066 वाला जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड का, इस कन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड में लॉ के डेवलपमेंट में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया। और इसी टाइम पर पूरे कंट्री के लिए एक लॉ जो बिल्कुल कॉमन था वो डेवलप हुआ और उसको कहा गया कि ये क्या है, कॉमन लॉ है इंग्लैंड का। यानी कि जो कॉमन लॉ है ना वो इंग्लैंड के लॉ का वो पार्ट है जो 1873 और 1875 में जो जुडिकेचर एक्ट आया था उसके आने से पहले कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट किया जाता था। और ये जो कॉमन लॉ है ये बेस्ड होता था किसके ऊपर, जो इंग्लैंड में जनरल पॉपुलेशन के जनरल कस्टम थे उनके ऊपर डिपेंड करता था, उनके ऊपर आधारित होता था। अब इसके बाद होता ये है कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर एम्परर एडवर्ड फर्स्ट का शासनकाल आता है और इनके शासनकाल में जो लॉ है वो एक डेफिनेट शेप में आ जाता है। और एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी जो कॉमन लॉ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो इन्फोर्स किया जाने लगता है तीन तरह की कोर्ट के द्वारा। पहली हो गई किंग्स बेंच, जिसको हम क्वीन बेंच भी कह सकते हैं, अगर क्वीन शासनकाल कर रही है तो फिर क्वीन बेंच, और अगर किंग का शासनकाल चल रहा है तो किंग बेंच, ठीक है। दूसरी आती है कॉमन प्ली कोर्ट, फिर तीसरी है एक्सचेकर जो कि वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में होती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन तीनों में से इक्विटी एक्ट कंटेक्स्ट में थर्ड वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ होने के साथ साथ जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो भी संभालती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी कही जाती थी। और इसका जो सेक्रेटरिएट ऑफिस था उसको हम कहते थे चांसलरी और इसके प्रेसिडेंट को हम कहते थे चांसलर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि जो एक्सचेकर कोर्ट है उसका सेक्रेटरिएट ऑफिस कहलाया चांसलरी और चांसलरी का प्रेसिडेंट कहलाया चांसलर। तो जो ये चांसलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होता था किंग का, या फिर ऐसा कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बंदी होती थी क्वीन की, गलत कंटेक्स्ट में मत लेना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो किंग है उसके लिए चांसलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि जो चांसलर है वो जज होने के साथ साथ किंग का प्राइम मिनिस्टर भी होता था और किंग की जो काउंसिल है उसका ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मेंबर होता था। जितने भी डिपार्टमेंट है स्टेट के उन सभी डिपार्टमेंट का ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था। और जो किंग की करेंसी होती थी वो चांसलर के कंट्रोल में होती थी, जो भी इन द नेम ऑफ किंग लिखा जाता था वो चांसलर के सुपरविजन में लिखा जाता था। और इन सब चीजों के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन था चांसलर का वो था रिट इशू करना। होता ये था कि जो कॉमन लॉ है वो एन नंबर ऑफ रिट्स प्रेस्क्राइब करता था, यानी कि कॉमन लॉ ये बताता था कि अगर ये चीज होगी तो ये रिट इशू किया जाएगा, अगर ये होगा तो ये रिट इशू किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो कॉमन लॉ था वो कंसिस्ट करता था सर्टेन रिट्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर समस्या होगी तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर रिट कॉमन लॉ में होता था। जैसे कि किसी ने चोरी की है तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाना है वो अगर कॉमन लॉ के रिट में आता है तो फिर रेमेडी मिलेगी, अगर रिट में नहीं आता है तो रेमेडी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कॉमन लॉ में प्रेस्क्राइब किए होते थे सर्टेन नंबर ऑफ रिट्स और उन रिट्स को इशू करने की पावर होती थी चांसलर के पास। यानी कि अगर किसी को कॉमन लॉ के तहत रेमेडी चाहिए तो सबसे पहले आप जाइए कहाँ, चांसरी कोर्ट में, और वहां पर आप प्रेस्क्राइब फीस जो है वो भरिए। तब जो चांसलर है वो क्या करेगा, रिट इशू करेगा, वो भी तभी जब आपकी समस्या प्रेस्क्राइब जो रिट है, जो प्रीसेट रिट है उनमें फॉल होती है। अगर आपकी समस्या रिट में फॉल नहीं होती तो फिर कोई रेमेडी नहीं है। सो दैट वॉज द
मेजर डिफिशियंसी इन द कॉमन लॉ, और इस समस्या को ही एड्रेस करने के लिए जो इक्विटी है उसका जन्म हुआ। तो इस तरह से काफ़ी सारी डिफिशियंसीज थी कॉमन लॉ में, लाइक लिमिटेड रिट्स थे, प्रीसेट रिट्स थे, अगर उनमें फॉल हो रही है आपकी समस्या तो आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज रेमेडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरी डिफिशियंसी ये थी कि जो रेमेडी कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा कुछ केसेस में प्रोवाइड की जाती थी वो हमेशा इनसफिशियंट होती थी, मतलब वो हमेशा सफिशियंट नहीं होती थी। कॉमन लॉ ने रेमेडी दे दी बट मज़ा ही नहीं आ रहा है। तीसरी समस्या ये थी कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती थी ना कॉमन लॉ में, वो बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव थी, रिजिड थी, फॉर्मल थी। लाइक जैसे कि आपको अगर सिक्योरिटी लेनी होती ना आपको वापस अपने कॉलेज से, तो आपको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, या फिर कहीं पर भी आपने एडमिशन लेना पड़ता है तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती थी। तो इस तरह से कॉमन लॉ में आपको अगर रेमेडी लेनी है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको रेमेडी मिलेगी। तो ये कुछ समस्या थी कॉमन लॉ की, और इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर ऑफ 1285 पास हुआ, जिसने जो चांसलर होता है उसको कुछ लिमिटेड राइट दिए। किस बारे में? इस बारे में कि जो चांसलर है वो न्यू रिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू चार्जेस क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति क्या किया है, किसी व्यक्ति को उधार दिया है, जो व्यक्ति उधार देता है हम उसको क्रेडिटर कहते हैं, और जिसको उधार दिया जाता है उसको हम कहते हैं डेटर। तो जो क्रेडिटर है उसके पास रिटर्न में कुछ है ही नहीं जो इस चीज़ का प्रूफ देता हो कि डेटर को उसने उधार दिया है, और जो डेटर है वो उधार वापस किए बिना मर गया। और अब जो क्रेडिटर है वो जाता है अगर कॉमन लॉ में, तो कॉमन लॉ में ऐसे मामले में कोई रेमेडी ही नहीं मिलती थी। तो अब जो किंग है वो क्या कर देता था, ऐसे मामलों को रेफर कर देता था कहाँ, चांसलर के पास, क्योंकि जो चांसलर है उसको अथॉरिटी दी गई थी ऐसे मामलों को डील करने की। किस आधार पर? उसके खुद के ओपिनियन के आधार पर और गुड कंशाइंस के आधार पर डिसीजन वगैरह दे सकता था। तो जो भी चांसरी कोर्ट में प्रिंसिपल इवॉल्व हुए, इमर्ज हुए, तो जो भी चांसरी की कोर्ट में प्रिंसिपल्स सामने आए, प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए, उनको हमने कहा कि ये लॉ ऑफ इक्विटी है। और चांसरी की जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ इक्विटी कहलाई, और जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स इक्विटी कोर्ट में इवॉल्व हुए वो बेसिकली बेस्ड होते थे इक्विटी एंड गुड कंशाइंस पर। और इक्विटी से रिलेटेड बचा कुचा जो भी जुरिस्डिक्शन था ना किंग के पास, वो कम्प्लीटली 1348 में किंग ने असाइन कर दिया किसको, चांसलर को। अब जो चांसलर है वो इन द नेम ऑफ किंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता था, डिस्क्लोज कर सकता था और डिक्री वगैरह इशू कर सकता था, लेकिन करना था इन द नेम ऑफ किंग। बट 1414 में हुआ ये कि अब जो कोर्ट ऑफ चांसरी है वो अपनी खुद की अथॉरिटी के तहत डिक्री वगैरह इशू करने लगी, और ये जो प्रैक्टिस है ये कंटिन्यूसली चलती रही, और जो कोर्ट ऑफ चांसरी है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन गई जिसको कोर्ट ऑफ इक्विटी के नाम से जाना जाने लगा। तो अब जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जस्टिस देने लगा, इक्विटेबल रेमेडीज प्रोवाइड करने लगा, और जो इक्विटी कोर्ट में रेमेडी दी जाती थी वो बहुत ही, मतलब एज कंपेयर टू कॉमन लॉ कोर्ट, क्या देती थी, लोगों को संतुष्टि देती थी। और जो प्रोसीजर था कोर्ट ऑफ इक्विटी का वो एज कंपेयर टू कॉमन लॉ कोर्ट इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं था। तो इसलिए जो आपका कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉमन लॉ कोर्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया, और इसी वजह से जो कॉमन लॉ कोर्ट है और जो इक्विटी कोर्ट है इन दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस जो 1615 का केस है, इस केस में ये तक हो गया कि जो किंग जेम्स थे इन्होंने पहली बार इक्विटी के फेवर में कंसेंट दिया, और 1616 में ये भी हो गया कि जो इक्विटी कोर्ट है उसको कॉमन लॉ कोर्ट के ऊपर प्रायोरिटी मिलने लग गई। इस तरह से आपका जो 17th सेंचुरी का जो पीरियड था
वो इक्विटी के डेवलपमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन एरा कहा गया। और इस तरह से जब 18th सेंचुरी आया तो 18th सेंचुरी में इक्विटी में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए कि जो इक्विटी का डेवलपमेंट था वो 18th सेंचुरी में बिल्कुल ही पीक पर था। और इस दौरान जो चांसरी था उसने काफ़ी सारे इक्विटी के प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए। और 1800 में जो लॉर्ड नॉटिंघम है, इन्होंने इक्विटी के प्रिंसिपल्स को एक डेफिनेट, एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर शेप दिया। इसी वजह से जो लॉर्ड नॉटिंघम है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इक्विटी कहा जाता है। तो यहीं से आप लगा सकते हो कि जो लड़के होते हैं उनको बाप बनने का कितना ज़्यादा शौक होता है। जैसे कि एरिस्टोटल को ही ले लो, एरिस्टोटल को माना जाता है जूलॉजी एम्ब्रोलॉजी का फादर, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का भी फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को। और आपके ह्यूगो ग्रोशियस जो हैं उनको कहा जाता है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का फादर। तो लड़कों को बाप बनने की जो इच्छा होती है वो अभी से नहीं है, पुराने टाइम से ही है। तो जो अब इसके बाद हुआ ये कि आपका जुडिकेचर एक्ट आया 1873 वाला, जिसने जो इक्विटी कोर्ट और कॉमन लॉ कोर्ट के बीच में जो सेपरेशन था उसको रिमूव किया और इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये चीज़ कर दी कि दोनों ही कोर्ट एक दूसरे के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं वाइल डीलिंग एनी मैटर्स। तो इस तरह से आपका जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, और जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1873 के साथ कॉमन लॉ के साथ इक्विटी जो है वो क्या हो गया, मर्ज हो गया, उन दोनों का फ्यूजन हो गया। तो इस तरह से जुडिकेचर एक्ट 1873 एंड 1875 के द्वारा जैसे कि कॉमन लॉ और इक्विटी का मर्जर हो गया, फ्यूजन हो गया। तो इस मर्जर और इस फ्यूजन से पहले जो भी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, जो भी बॉडी ऑफ रूल्स कोर्ट ऑफ चांसरी के द्वारा जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए एडमिनिस्टर किए जाते थे, जो बेसिकली बेस्ड होते थे नेचुरल जस्टिस पर, गुड कंशाइंस पर, और जो लॉ का स्पिरिट और सोल कहे जाते थे, जो एग्जिस्टिंग लॉ को सुपरसीड नहीं करते थे बल्कि उनके सप्लीमेंट्री होते थे, उन्हीं बॉडी ऑफ रूल्स को कहा गया इक्विटी। तो अब अगर हम बात करें कॉमन लॉ और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जुडिकेचर एक्ट के आने से पहले जो भी लॉ आपका कॉमन लॉ कोर्ट के जजेस वगैरह क्रिएट करते थे उसको हम कहते थे कॉमन लॉ, और जो चांसरी कोर्ट में एडमिनिस्टर होता था बॉडी ऑफ रूल्स उसको हम कहते थे इक्विटी। तो इक्विटी बेसिकली इसलिए आया था ताकि जो कॉमन लॉ में कमियां थी उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कॉमन लॉ है वो एनफोर्स किया जाता था कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा, वहीं जो इक्विटी के रूल्स थे वो एनफोर्स किए जाते थे चांसरी कोर्ट के द्वारा, जिसको हम कोर्ट ऑफ इक्विटी भी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कॉमन लॉ कोर्ट हैं वो दोनों तरह के मामलों में कॉमन लॉ के प्रिंसिपल को अप्लाई करती थी, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो। बट वहीं कोर्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ और सिर्फ सिविल जो केसेस होते थे उन्हीं को डील करते हुए इक्विटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते थे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉमन लॉ की एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि जो कॉमन लॉ था वो कुछ रिट्स वगैरह बताता था, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रिट में फॉल नहीं होती है तो फिर रेमेडी भी कॉमन लॉ नहीं देता था। अगर प्रॉब्लम जो रिट प्रेस्क्राइब कर रहा है कॉमन लॉ उनमें फिट हो रही है तो तब आपको कॉमन लॉ कोर्ट में कॉमन लॉ के तहत रेमेडी मिल सकती थी, अदरवाइज रेमेडी नहीं मिल सकती थी। तो ये डिफिशियंसी थी कॉमन लॉ में, और इसी डिफिशियंसी को एड्रेस करने के लिए जो आपका इक्विटी था वो लाया गया, और इक्विटी में रिट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्टली जो भी रिलीफ कॉमन लॉ के तहत प्रोवाइड की जाती थी कॉमन लॉ कोर्ट में उसको हम कहते थे लीगल रिलीफ, वहीं इक्विटी कोर्ट में जो रिलीफ दी जाती थी उसको हम कहते थे इक्विटेबल रिलीफ। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी। तो आज के वीडियो में आपको इक्विटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विटी के मैक्सिम्स डिस्कस करेंगे। इक्विटी की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इक्विटी का PDF नोट अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं इक्विटी की नेक्स्ट वीडियो में।